500 का स्क्वायर रूट भाग विधि से यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालें यह सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह आपकी तीन अंकों की संख्या है, दो अंकों को एक साथ ले अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे बढ़े, एक अंक की संख्या आ गया, कितना आ गया, पाँच। इस पाँच के लिए हमने अपना दो गुणा दो लिया, कितना आ रहा है, चार, जिसको लेते हैं दोस्तों एक बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब दो गुणा दो क्यों लिया, ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका पाँच से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे यदि हम तीन गुणा तीन लेते हैं, कितना आ रहा है, नौ, देखिए आपका पाँच से बड़ा आ गया, ठीक है। तो किसको लेना है, इसका मतलब दो को लेना है। उसके बाद क्या करना होता है, इसको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, पाँच माइनस चार कितना, एक आ गया, और अगले डबल जीरो यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हमने दो लिया, दो का गुणा किया, सौ से बड़ा नहीं आ रहा है। यदि इसके साथ हम तीन लेते हैं, तीन का गुणा करते हैं, तो आपका सौ से बड़ा आ गया। ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को, जिस संख्या को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं उसे एक बड़ी संख्या लेते ही आपका बड़ा आ जाना चाहिए, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सौ की बात कर रहे हैं तो सौ से बड़ा आ रहा है। देखिए दो से एक संख्या बड़ी लेते हैं, किसको, तीन को लेते हैं। जैसे यहाँ हमने किसको, दो को लिया, इसे एक बड़ी संख्या लेते हैं, आपका क्या आ गया था, बड़ा आ गया था। ऐसे पूरा स्टेप से समझो दोस्तों, आपको एकदम लॉन्ग डिविजन मेथड क्लियर हो जाएगा। किसको, दो को लिया, यहाँ लिख दो, उसके बाद इनको तो जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। अब आगे क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ पॉइंट लगाते हैं और इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले डबल जीरो यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ चार लिया, चार का गुणा किया, 1600 से बड़ा आ रहा है, लेकिन तीन लिया, तीन का गुणा किया, आपका 1600 से बड़ा नहीं, नौ चार त्री बारह, किसको लिया हमने, अपना तीन को, फिर माइनस करना है, प्लस करना है। आगे आप जितने स्टेप करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना, 22.3, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। आगे फर्दर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ अगले डबल जीरो ले आएंगे, इसको ऐड करने के साथ जो संख्या बनेगी उसके साथ संख्या लेना, उसका मल्टीप्लाई करना है, और ये ऐसे, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल देखें प्लेलिस्ट में जाकर,